हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और हमारा छत्तीसगढ़िया जोहार और आप सभी को प्यार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे और खुश होंगे। तो अभी सुबह बज रहा है 10:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं सोसाइटी धान मंडी, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कल गए थे तो हो नहीं पाया और आज कराएंगे रजिस्ट्रेशन। खाद वाद भी मिलेगा उसके लिए और भी बहुत सारा काम है। तो सुबह सुबह भी नहा धो लिया हूँ। तो चलिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं कंदरई में और ये देखिए, ये जो सामने ये पिंक पिंक दिख रहा है ना, तो ये है ऑफिस। यहाँ से मतलब कि अभी टोकन कटाएंगे, पिताजी और चाचा गए हैं अंदर टोकन कटाने के लिए। जो अभी रासायनिक खाद मिलता है ना सोसाइटी से, तो इसी का। तो ये देखिए, अभी ये जो ऑफिस है ये है कंदरई, ये जो ये स्टेडियम है ना, यहाँ पर फुटबॉल होता है, तो यहीं पर है। ये देखिए, यहाँ पर बैठने के लिए सीढ़ी वीढ़ी सब कुछ है और यहाँ पर मस्त पेड़ के नीचे छाया है, देख रहे हैं। इधर बाइक वाइक खड़ा किए हैं, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। गए थे अंदर लेकिन साहब तो आए ही नहीं हैं, तो अभी पिताजी और चाचा ये देखिए बैठे हुए हैं छाया में, उन लोग भी। अब देखते हैं कितना देर तक आते हैं साहब लोग। तो दोस्तों, क्या ही बताऊँ यार, इतना ज़्यादा धूप हो गया है ना अभी कि, और अभी साहब नहीं आए थे तो अभी आ गए हैं इधर, ये देखिए। और यहाँ जो ये बना है ना बैठने के लिए, तो यहीं पर लेटा हुआ हूँ। इतना मेरे को लू लू लग रहा है, लू मार दिया है ऐसा लग रहा है धूप की वजह से। ये देखिए, इधर ट्रैक्टर में लोडिंग हो रहा है खाद किसी किसी का, और हम लोग का तो इस साल हमारे गांव में ही मिल जाएगा, यहाँ आना नहीं पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया है, ये देखिए बहुत सारे लोग आ गए हैं यहाँ पर, सब लोग बैठे हुए हैं इधर। तो दोस्तों, यहाँ ना ऑफिस में लाइट गोल हो गया है और बहुत लेट लग रहा है, तो मैं जा रहा हूँ घर, ये देखिए निकल गया हूँ। पिताजी और चाचा दोनों साथ में आएंगे, मैं जा रहा हूँ घर, चलिए चलते हैं। क्योंकि सुबह से आया था और अभी तक कुछ नाश्ता पानी कुछ भी नहीं। फाइनली दोस्तों, घर पहुंच गया और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, दरवाज़ा भी बंद है। आ गया कंदरई से सोसाइटी से घर आ गया और इतना ज़्यादा धूप था कि क्या ही बोलें। और हमारे साइड भी लाइट गोल हो गया है, उधर भी लाइट गोल हो गया था। और अभी कुछ खाने का मन नहीं करता है ना दोपहर में। क्या सब्जी बना है आज? डोड़का। तो अभी से चटनी पिसवा रहा हूँ आम का, इधर आम को काट काट कर मांग रहा है, देखिए। मैं उसको बदमाशी, ये देखिए इधर आम को चटनी पिसवा रहा। और अभी अरे नहीं ना, खट्टा आम बेटा, खट्टा आम है। हाँ, खेल रहा है ए? बेटे के नहाने के लिए खेल, इसमें जा छील के दे रही हूँ। तो दोस्तों, आम का चटनी पीस करके रेडी हो गया है और अभी इधर खा रहा हूँ मैं गोथा हुआ बासी, मतलब एक गरम भात है लेकिन इसको पानी डाल करके मैं खा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे खाने से ना पेट ठंडक रहता है, पेट में ठंडा लगता है। ये देखिए, इधर इसमें पानी डाल दिया हूँ और ये है आम की चटनी, मस्त। चलिए खाते हैं एकदम फटाफट। और दोस्तों, शाम का 4 बज गया है, फिर भी धूप देख रहे हैं कितना ज़्यादा धूप हो रहा है। और अभी ना जीन्स वींस नहीं, लोअर पहन लिया हूँ, लोअर एकदम कंफर्टेबल लगता है। और जा रहे हैं अभी हम लोग सलका, इम्पोर्टेंट काम फंस गया है ना, तो जा रहे हैं इसी के लिए, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, जा ही रहे थे और रास्ते में पड़ गया चिरन भाई का ठेला, और यहाँ पर हम लोग अभी चना खाएंगे जरी वाला, क्योंकि हम लोग को ना लत लगा दिए है, सबको नशा का लत होता है, हम लोगों को चना खाने का लत लग गया है यार। जब तक चना नहीं खाते हैं ना अच्छा नहीं लगता है, दिन में एक बार चना खाना जरूरी जरूरी है। तो जा रहे हैं हम लोग अंबिकापुर, जाइएगा काम करने के लिए। अरे जा रहे हैं यार काम धाम में, कहाँ करिएगा, ऑफिस जा रहे हैं संजय भैया का ऑफिस में। yes.
खा रहे हैं इधर चना, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब चना वना खा के हम लोग फिर से निकल गए हैं। अब जा रहे हैं, डायरेक्ट जाएंगे हम लोग अभी जोगी माड़ा जाएंगे बिट्टी, इसके बाद वहां से सलगा जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए थे बिट्टी में बीएमपुर से। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई है। ये यहाँ पर ये राइस मिल है और बहुत कुछ यहाँ पर बनता है, चना वगैरह सब कुछ। तो यहाँ ठेकेदार हैं हमारे जीजा जी बड़े वाले, तो यहीं आए थे काम से, उनसे मिलना था तो अभी मिल लिए। चलिए चलते हैं, जाएंगे सलका, इसके बाद फिर वापस जाएंगे। और दोस्तों ये देखिए, इधर सलका से पहले सिंगी टाना में ना कोसना का बाज़ार लगता है, ये देखिए। और लोग यहाँ पर पीने आते हैं, राइस बियर होता है ना, जो झारखंड में राइस बियर के नाम से जाना जाता है, चावल का बनता है। तो इधर संजय भैया बोले कि मैं पीऊँगा यार थोड़ा सा ऐसे करके, तो मैं बोला चलो पी लो। और उधर भांजे लोग भी हैं, ये देखिए। तो ये लोग चलिए पीते हैं लोग जैसे ही, इसके बाद चलेंगे हम लोग यहाँ से डायरेक्टली घर। तो दोस्तों, गया था मैं सलका अपनी दीदी के यहाँ। वो क्या है ना कि उस दिन पहुंचाने गया था तो लैपटॉप को छोड़ करके आया था, जीजा जी के बाइक चोरी हो गया है ना, तो अंबिकापुर से बहुत जगह का सीसीटीवी फुटेज ला करके देखना था उनको, तो इसीलिए छोड़ दिया था। तो आज ले आया उसको, क्योंकि काम भी रहता है मेरे को कुछ कुछ ना, तो इसीलिए गए थे वहाँ पर। और वहाँ दिखाया आप लोगों को कोसना बाज़ार जो लगा हुआ था, वहाँ जो राइस बियर होता है ना, तो उसका बाज़ार लगता है उधर, और ये उधर लीगल माना जाता है ऐसा कुछ। तो अभी आ गया हूँ घर, ये देखिए, और कहाँ घुस रही है बिस्तर के नीचे, ये देखिए, ये सेंकने वाला का जो है ना, इसको नीचे गिरा दिया। सब तुम्हारी लापरवाही का, और मिठाई खोजने के लिए पर बेड के नीचे कहाँ से गिरा दिया है, लगता नहीं मिल रहा, आओ नहीं घुस पा रही मैं। देखिए अभी इसका दांत निकल रहा है, दिखा दे बेटा दांत, दिखा दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे बेटे, ऊपर का दिखा, ऊपर का दिखा दे खरगोश। और दोस्तों, अभी शाम का समय हो गया है, खाना वाना खाने जा रहे हैं। और पता है मेरी वाइफ इधर रील्स बनाने के लिए तैयार हो रही थी, और इसको काजल लगाने का भी, इसका काजल लगाने का तरीका देख रहे हैं। इसका ना मैं मर्डर कर दूंगी, ये देखिए मेरे साथ प्रैंक किया है। प्रैंक चैनल में देखने को मिलेगा कि आप प्रैंक किए हैं। कैसे दिख रही हूँ मैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, खाना वाना खा लिए, और इसी के साथ चलिए आज की इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं, यही आखिरी करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।